हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। और आ चुका हूँ एक और नया एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। आज के इस वीडियो पे न्यू इंस्टाग्राम पर जो वायरल चल रहे रील सॉन्ग के ऊपर EFX स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग हो चुका है। इस टाइप EFX स्टेटस वीडियो क्रिएट करने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच करें। प्रीव्यू दिखाने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर कोई भी नहीं हो पहली बार आए तो जरूर से सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, डिसलाइक भी कर सकते हो। लाइक और डिसलाइक पे से एक बटन जरूर से दबाकर जाए। नीचे कमेंट करने का मन हो तो कमेंट भी कर सकते हो। आप लोगों को पहले प्रीव्यू दिखाता हूँ, उसके बाद में बात करते हैं। आज का प्रीव्यू कुछ स्टेप से देखने मिलेगा। आप लोगों को इस टाइप EFX स्टेटस वीडियो क्रिएट करने के लिए सिंपली अलाइट मिशन एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा, जिसका लिंक आप लोगों को मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। और इस वीडियो पे जो जो मटेरियल यूज किया गया EFX प्रोजेक्ट MP3 म्यूजिक आप लोगों को मेरी वेबसाइट पे विदाउट पासवर्ड के मिल जाएगा। आप लोगों को एडिटिंग के रिलेटेड किसी भी टाइप प्रॉब्लम है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है। चले गए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आप लोगों को अलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करने के बाद इस तरीके का आप लोगों को इंटरफेस देखने मिलेगा। अब आपको मेरे वेबसाइट से आप लोगों को EFX प्रोजेक्ट अपने अलाइट मोशन में इंपोर्ट करके सिंपली आप लोगों को ओपन करना है। EFX प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इन सारे मॉडल इमेजेस पर मैं ऑलरेडी EFX एंड एनिमेशन लगा चुका हूँ। यहाँ पर आप लोगों को EFX एंड एनिमेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ इन सारे मॉडल इमेज अपने मॉडल इमेज के साथ रिप्लेस करना है। मॉडल इमेज रिप्लेस करने से पहले गाइस, आप लोगों का मॉडल इमेज 9:16 रेशो में होना बहुत ही ज़रूरी है। 9:16 रेशो यहाँ पर अलाइट मोशन एप्लीकेशन में आप लोग क्रॉप कर सकते हो। आप लोगों को एक बार 9:16 रेशो में कैसे क्रॉप करने एक बार दिखा देता हूँ। सिंपली बैक नहीं, बैक करने के बाद प्लस का पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को 9:16 रेशो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद में आप लोगों को सिंपली प्लस का पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इमेज जोड़ो पर क्लिक करके आप किसी भी मॉडल इमेज को क्रॉप करना चाहते हो 9:16 में, उस मॉडल इमेज आप लोगों को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं मॉडल इमेज ऐड कर चुका हूँ। ऐड करने के बाद 3D ऑप्शन पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करना है। इस मॉडल इमेज एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो मोड ट्रांसफर ऑप्शन पर क्लिक करके मॉडल इमेज को स्टेप एडजस्टमेंट करना है। इसके बाद मैं बैक आने, बैक आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये मॉडल इमेज 9:16 रेशो में एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद मैं शेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद करंट एस PNG पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये मॉडल इमेज आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। आप लोगों को इसी टाइप करते सारे मॉडल इमेज 9:16 रेशो में अपनी गैलरी में सेव करना है। सेव करने के बाद अब आपको EFX प्रोजेक्ट ओपन करना है। EFX प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं ऑलरेडी म्यूजिक ऐड नहीं किया हूँ, क्योंकि सभी लोग मोड वर्जन और विदाउट मेंबरशिप अलाइट मोशन यूज़ करते हैं। उन सारे अलाइट मोशन में 5 MB से ज़्यादा प्रोजेक्ट इंपोर्ट नहीं होता, इसलिए म्यूजिक और प्रोजेक्ट में अलग अलग दे रहा हूँ। अब आपको म्यूजिक ऐड करने के लिए मेरे वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद MP3 म्यूजिक बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ पर आप लोगों को एक स्टेटस वीडियो मिल जाएगा। उस स्टेटस वीडियो आप लोगों को सिंपली आप लोगों को ऐड करना है। स्टेटस वीडियो डाउनलोड करके ऐड करने के बाद अब आपको 3D ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक करना है। इसके बाद में स्टेटस वीडियो MP3 म्यूजिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में आप लोगों को स्टेटस वीडियो को डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो म्यूजिक ऐड हो चुका है। इसके बाद में गाइस, आप लोगों को अब मॉडल इमेज रिप्लेस करना है। मॉडल इमेज रिप्लेस करने के लिए आप लोगों को सबसे नीचे यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद अब आपको फर्स्ट वाला मॉडल इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मॉडल इमेज रिप्लेस करने के लिए कलर एंड फिल ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस मॉडल इमेज पर क्लिक करना है। आप जिस भी मॉडल इमेज रिप्लेस करना चाहते हो उस मॉडल इमेज आप लोगों को सेलेक्ट करके इस टाइप रिप्लेस करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइज, मॉडल इमेज रिप्लेस हो चुका है। इसके बाद में गाइज आपको थोड़ा सा आगे आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सेकेंड वाला मॉडल इमेज पर क्लिक करना है। अब आपको फिर से बता रहा हूँ किस टाइप मॉडल इमेज रिप्लेस करना है। अब आपको कलर एंड फिल ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस मॉडल इमेज पर क्लिक करके अब आपको सेकेंड मॉडल इमेज रिप्लेस करना है। यहाँ पर मैं सेकेंड मॉडल इमेज रिप्लेस कर लेता हूँ। गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मॉडल इमेज रिप्लेस हो चुका है। आप लोगों को इसी टाइप मॉडल इमेज रिप्लेस करना है। अब आपको क्या करना पता है, यहाँ पर आप लोगों को 5.19 सेकेंड पर आना है।
5.19 सेकेंड पर आने के बाद यहाँ से आप लोगों को मिनिमम 7.19 सेकेंड तक सभी मॉडल इमेज आप लोगों को अलग अलग रिप्लेस करने हैं। यहाँ तक मैं यहाँ से सभी मॉडल इमेज अलग अलग रिप्लेस कर लेता हूँ, तब तक वीडियो को स्किप कर देता हूँ। गाइज मैंने 7.19 सेकेंड और 5.19 सेकेंड के अंदर सारे मॉडल इमेज अलग अलग रिप्लेस कर चुका हूँ। इसके बाद में अब आपको क्या करना है पता है, यहाँ पर आप लोगों को फिर से 7.19 सेकेंड से 9.20 सेकेंड तक सारे मॉडल इमेज आप लोगों को सेम मॉडल इमेज रिप्लेस करने हैं। यहाँ पर मैं सभी मॉडल इमेज सेम मॉडल इमेज रिप्लेस कर लेता हूँ। गाइज मैंने 9.20 और 7.19 सेकेंड के अंदर सारे मॉडल इमेज सेम मॉडल इमेज रिप्लेस कर चुका हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ से आप लोगों को यहाँ तक सभी मॉडल इमेज सेम रिप्लेस करना है। इसके बाद में अब आपको 9.20 और 13.20 सेकेंड के अंदर सारे मॉडल इमेज आप लोगों को अलग अलग मॉडल इमेज रिप्लेस करना है। यहाँ से यहाँ तक मैं सभी मॉडल इमेज यहाँ से यहाँ तक अलग अलग मॉडल इमेज रिप्लेस कर लेता हूँ, तब तक वीडियो को स्किप कर देता हूँ। गाइज मैंने 13.20 सेकेंड और 9.20 सेकेंड के अंदर सभी मॉडल इमेज अलग अलग रिप्लेस कर चुका हूँ। आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक सभी मॉडल इमेज अलग अलग रिप्लेस करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैं आप लोगों को टाइमिंग भी दिखा रहा हूँ। 9.20 सेकेंड और 30.20 सेकेंड के अंदर सारे मॉडल इमेज आप लोगों को इस टाइप अलग अलग रिप्लेस करना है। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है पता है, यहाँ पर आप लोगों को 13.20 सेकेंड और 17.20 सेकेंड के अंदर सारे मॉडल इमेज आप लोगों को सेम टू सेम रिप्लेस करना है। यहाँ पर मैं सेम टू सेम मॉडल इमेज रिप्लेस कर लेता हूँ। गाइज मैंने यहाँ पर 17.20 सेकेंड और 13.20 सेकेंड के अंदर सभी मॉडल इमेज सेम टू सेम रिप्लेस कर चुका हूँ। इसके बाद में अब आपको 17.20 सेकेंड और 19.20 सेकेंड के अंदर सभी मॉडल इमेज आप लोगों को फिर से सेम टू सेम रिप्लेस करना है। गाइज मैंने 19.20 सेकेंड और 17.20 सेकेंड के अंदर सभी मॉडल इमेज सेम टू सेम रिप्लेस कर चुका हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सभी मॉडल इमेज मैं सेम टू सेम रिप्लेस कर चुका हूँ। इसके बाद में अब आपको 19.20 सेकेंड से 22 सेकेंड के अंदर सारे मॉडल इमेज आप लोगों को अलग अलग मॉडल इमेज रिप्लेस करने हैं। यहाँ पर मैं सभी मॉडल इमेज अलग अलग रिप्लेस कर लेता हूँ। गाइज मैंने 22 सेकेंड और 19.20 सेकेंड के अंदर सभी मॉडल इमेज अलग अलग रिप्लेस कर चुका हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ से लास्ट तक मैं सभी मॉडल इमेज अलग अलग रिप्लेस कर चुका हूँ। आप लोगों को इसी टाइप सारे मॉडल इमेज रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद आपका वीडियो पूरा रेडी होके बन जाएगा। इतने स्टेप करने के बाद आपका वीडियो पूरा रेडी होके बन जाएगा। सो गाइस आप लोगों को वीडियो ज़रा भी पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें। अपने फ्रेंड के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें। वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को सिंपली शेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए वीडियो ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन में 1080p रख लेना है। 1080p रख लेना, फ्रेम रेट आप लोगों को फुल रख लेना, क्वालिटी एकदम हाई रख लेना। इसके बाद में आप लोगों को सिंपली एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है।